गाइस अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई बिल्कुल ठीक है और सुपर फाइन है। तो भाई आपका वेलकम हो गया हमारे अनदर व्लॉग में। तो जाके मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आपके भाई ने नाश्ता वगैरह कर लिया, अभी फ़िलहाल अम्मी नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़ने के बाद जा रहे हैं थोड़ा फ्रूट वगैरह लेने। तो जब तक के लिए थोड़ा सा वेट करो। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग डिश बनाने वाले, फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करेंगे, तो देखना ना भूलिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। तो बस थोड़ा सा वेट करें, मिलते हैं फिर आपसे बहुत जल्द। हम जो बनाने वाले थे और मैं आ गया हूँ किचन में और थोड़ा सा काम मैंने कर दिया, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं हम आज? आज हम बनाने वाले हैं अल्फ्रेडो बॉय, यानी कि अल्फ्रेडो पास्ता हम बनाने वाले हैं। फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो बच्चों मेरे साथ हेल्प कर रही है या मैं बच्चों के साथ हेल्प कर रहा हूँ कुछ नहीं पता। तो अभी ये है कि हमारी चिकन बिल्कुल हमने रेडी कर दी है, देखें चिकन ये रेडी हो गई है बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास। और यहाँ पेडो पास्ता की जो स्ट्रिप्स है ना वो इसमें बॉईल होने जाएंगी। मैक्रोनी खा खा के ना आपके भाई को मैक्रोनी की आदत लग गई, मैक्रोनी 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 मैक्रोनी। अरे भाई अब आगे बढ़ो मैक्रोनी से तो बस इसमें डालूँ क्या बच्चों? नहीं अभी थोड़ा पानी खोलने देते हैं। और भाई आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? और बहुत सारे काम है, तो अभी ये है कि बस अभी ये चिकन हमारी बिल्कुल रेडी वेडी हो गई है। और मैं स्ट्रिप आपको दिखाता हूँ, तो ये स्ट्रिप की है इसकी। चलो डाल देते हैं, हो गया है शायद पानी, शायद बॉईल हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हर काम शुरू करना चाहिए। तो हम इसको स्ट्रिप्स को इसमें डाल देंगे। पूरी तो आ भी नहीं रही है, पूरी तो आ भी नहीं रही, तो ये भी तो मिल गया, थोड़ी तोड़ के नहीं डलती है अभी, ये थोड़ी जो ऊपर वाली है ना वो थोड़ी पकेंगी ना तो वो थोड़ी नीचे चली, नीचे चली जाएंगी। पता होगा तो बड़ी पकेंगी ले लेते सारी। हां सारी क्या बचा के करना, क्या ये भी है बचा के क्या करना है, हमसे बचेगा, हमसे कुछ नहीं बचता मेरे भाई। से 15 मिनट तक इसको कुक करना है, फिर उसके बाद इसका सॉस रेडी करेंगे, ठीक है? तो सॉस के लिए हमें, इसके सॉस के लिए ज़रूरत है मिल्क, मैदा और क्रीम और बटर और ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर क्रीम ले आओ। ये मिल्क, ये क्या है बच्चों? ये मैदा है ना? अच्छा मैदा तुमने लिक्विड कर लिया। हाँ। और ये क्रीम की ज़रूरत है और ये ब्लू बैंड मक्खन, और ब्लू बैंड लो या कोई सा भी ले लो आप लोग। और ये मिल्क है जिसमें हमारा सॉस बनेगा और ये हमारे उसके ब्लैक पेपर के साथ हैं। तो बस अभी ये थोड़ी सी कुक हो जाए, फिर इसके बाद जो है ना हम इसका सॉस बनाना रेडी करेंगे। सॉस मैं आपको बनाते हुए लाजमी दिखाऊँगा। तो अभी हमारा ये साथ साथ काम भी चल रहा है और बिग बॉस भी चल रहा है, बिग बॉस तो देखना लाजमी है ना। तो इसको जब तक हो रहा है जब तक मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है? तो अभी इनको चेक कर लेते हैं, मुझे मेरे ख्याल से तो ये हो गई हैं, ऑलमोस्ट डन है, बिल्कुल कहीं से पहले ये टूट जाए। तो अभी इसको हम उतार लेते हैं, एक मिनट पकड़ना। ऑलमोस्ट हमारी अब ये कुक हो गई है और अब हम अपना सॉस रेडी करने वाले हैं जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है और वही इसको डिलीशियस बना सकता है और वही इसका मतलब मज़ा ही उसी से आएगा। तो बस ये है कि अभी हम सॉस रेडी करने वाले हैं। बच्चों किस में रेडी करना है सॉस? हाँ इसी पतीली में, तो इस पतीली को आप यहाँ रख दो। अभी हम सबसे पहले इसमें बटर ऐड कर रहे हैं। बटर के बाद हमें ऐड करना है इसमें क्या? मैदा, ताकि इसमें लम्स ना पड़े। गाइस क्या क्या यार ये चाइनीज़ वालों ने निकाल दिया हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए और हम लोग भी बचते हैं।
क्रीम डाल दो थोड़ी, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि क्रीम रखी हुई थी ये फट गई है ऐसा मुझे फील हो रहा है, लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ के डाल दो। अल्लाह मालिक है, अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है। अब इसको क्या करना है? ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर और डालूं थोड़ा स्पाइसी तो होना चाहिए। ब्लैक पेपर भी ऐड कर दिया हमने इसमें, और मैदा ऐड, और हसबे जायका नमक, आप जितना नमक डाल सकते हो उतना नमक डालना है, इससे ज़्यादा मत डाल देना कि लोगों के खाना ही नहीं खाया जाए, लोगों को खाने रखें। चमचा चलाते रहना है, तो ये काफ़ी देर से चमचा चला चला के हाथ दुख गए और ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। और अभी इसमें चिकन ऐड होगी और ये जो है हमारी स्ट्रिप इसमें ऐड हो जाएंगी, तो ये है कि कहीं ये ज़्यादा थिक ना हो जाए, तो इस वजह से बस करते हैं ना, और चिकन ऐड कर देते हैं। अब इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। और बच्चों कह रही है तुम सारी तो तुमने ऐसे ही खा ली एक 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 उठा के, तो अभी हम इसमें चिकन ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम इसमें हमारी चिकन भी ऐड हो गई है। हाँ यार ये सूख जाती है। ज़्यादा ठीक हो जाता। आराम से अभी हाथ जलता। जज्बाती लड़की, मिलाऊं? हाँ। तुम पहले डाल लो, फिर मैं एक साथ ही इसको मिलाऊं। सॉस का नमक चख के बता दो ताकि मैं उसके अंदर डाल दूँगी ना, फिर और हो जाए। तो गाइस नमक चख लेते हैं हम। पीका है। नमक चखने का देसी तरीका। हाँ पीका है। अच्छा नमक पीका है इसमें, और थोड़ी सी मिर्चें भी कम है, तो बस काली मिर्चें और डालनी। तो ये हमजा ये चाइनीज खाने, या तो फिर ये नमक से थोड़ा आएगा इसमें टेस्ट। देखो नमक ऐड करोगी तो क्या पता इसमें टेस्ट आए। मिलाओ और पकाओ। अल्फ्रेडो पास्ता बिल्कुल रेडी होकर आ गया है, और मैं आपको इसकी लुकिंग चेक करवाता हूँ। ये अभी इसको टेस्ट करके बताते हैं ये कैसा बना है कैसा नहीं बना। तो अभी इसके लिए हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा एक फॉर्क, तो इसको टेस्ट करते हैं। आजा भाई चिकन, और ये अभी हम टेस्ट करने वाले हैं। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह वल वक़्त। मज़ेदार बना है बिल्कुल, और सारी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है। बस ये है कि अभी हम इसको खाते हैं फिर आपसे। और ज़्यादा ही मज़े का बना था, तो पास्ते का तो सारा प्रोग्राम बढ़ गया है, और बस ये हमने खा लिया पी लिया ऐश करा, और इनको भी मैंने पंजे वगैरह ला दिए थे। हाँ हेलो मीनू सुनती है सारी बातें माशाल्लाह से। तो इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और पास्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है, तो हम लोग ने तो मतलब ये पास्ता जो होता है ना भाई इतना स्पाइसी नहीं होता, आप लोग अपने हिसाब से स्पाइसी कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम के आईडी हमारे नीचे लिंक में है, तो उसे जाके ज़रूर फॉलो करें और अपना बहुत सारा प्यार दिखाएँ। अल्लाह हाफिज़।